नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बेशक यार, इस वक्त कोई भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो हालत बन रही है, जो सिचुएशन, वो बहुत ही ख़राब है। लगभग हर एक स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड है, हर एक कैंडिडेट परेशान है, राइट यार। और दूसरी तरफ इंडियन नेवी ने भी अपना एग्ज़ाम ऑफलाइन करवाने को बोल दिया है। फिलहाल डिफेंस गुरु जी यानी कि प्रतीक सर ने कोर्ट केस भी किया है। अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। आई होप, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट पॉजिटिव में आए और एक तरीके से एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हो जाए, ताकि हर किसी को एग्ज़ाम देने का मौका मिले। क्योंकि आज जब आप बिना एग्जाम में बैठे ही, बिना कंपटीशन में आए ही, आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो, तो इस बात की बहुत ही तकलीफ होती है। और इस बात को मैं दो दो बार रियलाइज कर चुका हूं, और फिलहाल अब तो यार मुझे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के एग्जाम डेट पर, कि अगर एग्जाम्स ऑफलाइन हुए तब नेवी का एग्जाम डेट क्या हो सकता है, तब नेवी के एडमिट कार्ड कब तक रिलीज हो सकते हैं, ताकि जिनका भी चांस बन रहा है, जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनको एग्जाम देने का मौका मिले, एटलीस्ट वो तो रेडी हो पाए। क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन हुए तो हम सबको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलने वाला है। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो एग्ज़ाम दे पाएंगे, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ यार कि जो भी बंदे हैं, जो भी इसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं, एटलीस्ट वो तो इसके लिए रेडी हो जाए। बाकी यार, आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो कोर्ट केस का रिजल्ट है वो पॉजिटिव में आए। जल्दी से जल्दी जो उसका रिजल्ट है वो आ जाए, हियरिंग जल्दी जल्दी हो, और एक तरीके से एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाया जाए, ताकि हर किसी को एग्ज़ाम देने का मौका मिले। ठीक है, पहले एयरफोर्स ने रैली भर्ती करवाई, फिर नेवी ने लास्ट टाइम एग्ज़ाम ऑफलाइन करवाया, और एक बार फिर से नेवी ने एग्ज़ाम ऑफलाइन करवा रहा है, तो ये बहुत ही बुरा है। तो बात करने वाले हैं आज हम कि नेवी का जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या हो सकता है, नेवी का एग्ज़ाम कब तक करना हो सकता है, PFT कब तक हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम और PFT सब कुछ सेम डे पर ही होगा, और एडमिट कार्ड कब तक इशू हो सकते हैं। जो भी आपको मैं बताने वाला हूँ वो एक तरीके से डेटा पर बेस है, मैंने बहुत ही एनालिसिस किया है, उसके बाद में आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। ठीक है यार, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम लाइक एयरफोर्स, नेवी, NDA, कोस्ट गार्ड, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और अगर बात करें हम NDA के प्रैक्टिस कोर्स की, तो NDA का प्रैक्टिस कोर्स जस्ट 27 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ये शक्ति NDA बैच इस बैच का नाम है। और अगर बात करें हम कोस्ट गार्ड की बैच के लिए, तो कोस्ट गार्ड का अकुला कोस्ट गार्ड बैच स्टार्ट हुआ है जस्ट 27 अक्टूबर को, और आपका ये बैच 15 दिसंबर तक चलने वाला है। तो अगर आपको कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको एयरफोर्स XY की प्रिपरेशन करनी है, तो इसके लिए भी बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर बात करें हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का बैच त्रिशूल बैच, जो कि 6 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुका है, जो कि जिसमें इंडिया के आपको टॉप एडुकेटर पढ़ाने वाले हैं। और अगर बात करें हम एयरफोर्स वाई ग्रुप के बैच की, तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का ग्लोरी बैच स्टार्ट हो चुका है, आपका 13 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ ये बैच, और आपका ये बैच 30 दिसंबर तक चलने वाला है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो मेक श्योर, अगर आपको जिस भी ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है, एयरफोर्स XY या आपको कोस्ट गार्ड नेवी, तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। अगर बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग लिस्ट आपके सामने, आपको जितने ही मंथ का लेना है आपके सामने लिस्ट है। आपको मान लें 24 मंथ का लेना है, तो आपको ये 333 रुपये पर मंथ पड़ेगा, और वहीं आप अगर 12 मंथ करें तो ये आपको 458 रुपये पर मंथ पड़ेगा। तो ये आपके हिसाब से रहेगा आप कितने मंथ का लेते हो। अगर आप यहाँ पर हमारा कोड RN75 अप्लाई करते हो, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जैसे आप कोड अप्लाई करोगे, आपके सामने नई प्राइसिंग की लिस्ट आ जाएगी, और आपका नया प्राइसिंग लिस्ट कुछ इस प्रकार से होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर लास्ट टाइम की बात करें, यानी कि जो जो अगस्त बैच गया था नेवी का 2021 का, उसका जो एडमिट कार्ड था, मैंने ये बात देखो पहले ही आपसे मतलब एक्सपेक्टेशन में बोली थी कि जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो सकता है। और देखो, आप सभी को पता है कि लगभग लगभग वैसा ही हुआ था। जून के लास्ट वीक में नेवी का एडमिट कार्ड आ गया था, और जुलाई के फर्स्ट वीक में, यानी कि 7, 8, 9, 10 इन डेट्स पर आपका एग्जाम करवाया गया था। सिर्फ 10,000 लोग को उन्होंने एग्जाम करवाना है, तो 10,000 लोग का एग्जाम करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये एक दिन में 2,000 लोग का भी करवाते हैं, तब भी आराम से 5 डेज में एग्जाम खत्म कर लेंगे। और आपको पता है कि नेवी के पास कई सारे सेंटर्स हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात करते हैं कि इस बार कब तक हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर आप उसको पढ़ोगे, तो उसमें आपका लिख रखा है कि जो आपका मेरिट लिस्ट है वो कहीं ना कहीं जनवरी या फरवरी में आने के चांसेस हैं। ठीक है यार, तो इंडिया ने भी वो कहीं ना कहीं अपना जो बैच है वो जनवरी से पहले ही रेडी रखना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बैच, ये फरवरी बैच है, यानी कि इस बैच को फरवरी पे ट्रेनिंग के लिए भेजना है, यानी कि इन्हें मेडिकल भी करवाना है, क्वारंटाइन भी करना है, और इन्हें ट्रेनिंग भी स्टार्ट करनी है। तो कहीं ना कहीं यार ये चाहेंगे हम जल्दी जल्दी अपना जो प्रोसेस है उसे ख़त्म करें और ट्रेनिंग स्टार्ट करें। तो जहां तक मुझे लगता है कि इंडियन नेवी का जो एडमिट कार्ड है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है, और जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो दिसंबर का लास्ट वीक हो सकता है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जहां तक मुझे लगता है, और डेफिनेटली यार यही यहाँ तक मुझे लगता है होने वाला भी है, आपका दिसंबर के
के फर्स्ट वीक में अगर एग्जाम्स ऑफलाइन होते हैं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो सकते हैं और आपका दिसंबर के लास्ट वीक में यानी कि 15-20 दिसंबर से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो मेरी मानिए तो आप दिसंबर के यानी कि आप 15-20 दिसंबर को आप टारगेट करिए और आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करिए। और अगर बात करें मेरिट लिस्ट की, तो नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो कहीं ना कहीं जनवरी या फरवरी के महीने में आने वाला है। तो अगर बात करें मेरिट लिस्ट की, तो आप सभी को पता है कि जो SSR का जो वहाँ पर बैच है, जो चिल्का में ट्रेनिंग कर रहा है, कोस्ट गार्ड का और SSR का, ये दोनों बैच जो हैं वो 11 फरवरी को वहाँ से निकल जाएंगे, यानी कि 11 फरवरी को उनका पासिंग आउट परेड हो जाएगा। उसके बाद उन सभी को उनके जो ट्रेड है वो अलॉट हो जाएंगे और वो सब अपने ट्रेड ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। तो 11 फरवरी को INS चिल्का ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 11 फरवरी के बाद ही ये जो अगला बैच है वहां पर भेजने लग जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि 11 फरवरी के पहले ही आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो 15 से 20 जनवरी के बीच जहां तक मुझे लगता है कि आपकी मेरिट लिस्ट आ सकती है। ये सारी बातें एक्सपेक्टेड है, डेट थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन आप देखिएगा जब आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि जब भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, एग्जाम कंडक्ट होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, तो डेट्स आपकी कहीं ना कहीं इसी के आसपास रहेगी। तो जहां तक मेरा मानना है, आपकी मेरिट लिस्ट 15 से 20 जनवरी तक रिलीज हो सकती है और आपका जो ट्रेनिंग है वो 12 फरवरी के बाद स्टार्ट होगी। ये तो बात सभी को पता है कि ट्रेनिंग 12 फरवरी से स्टार्ट हो सकती है। 12 फरवरी के बाद यानी कि आपको INS चिल्का बुला लिया जाएगा, वहाँ पे आपका फाइनल मेडिकल कंडक्ट होगा और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप सभी अपना एग्जाम डेट दिसंबर का लास्ट वीक यानी कि 15-20 दिसंबर के आसपास मान सकते हो कि आपका एग्जाम दिसंबर के लास्ट वीक में आप 20 दिसंबर से स्टार्ट हो सकते हैं और मेरिट लिस्ट आपकी 15 जनवरी तक रिलीज हो सकती है। क्योंकि मेरिट लिस्ट रिलीज करने में कोई नहीं बहुत टाइम नहीं लगता है, इन्हें बस केवल सबके मार्क्स शो करने होंगे जो बंदे पास हैं और उन्हें उनका ज्वाइनिंग लेटर इशू कर एक तरीके से मेडिकल कार्ड इशू करवाना है, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी कि आपका जो एग्जाम हो कब तक हो सकता है, मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ वो बहुत ही फैक्चुअल होती हैं, फुल डेटा बेस होती हैं और वो बातें बहुत ही ऑथेंटिक होती हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।